हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव में संभावित है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता के सामने सरकार की तरफ काम रख रही है। मंगलवार को हिमाचल भाजपा के कोषाध्यक्ष संजय सूद ने हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में चल रही सरकार में सरकार सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी योजनाएं लाई है जिससे महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। हिमाचल भाजपा के कोषाध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि हिमाचल भाजपा सरकार ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सरकार में रहते हुए पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लाया। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आज हर घर को लाभान्वित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है समानता के साथ चलती रही है और महिलाओं को साथ लेकर चलने का काम जो है मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने किया था और मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ 50% संख्या जो है वो महिलाओं की है और महिलाओं को साथ लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी और महिलाओं को टिकट भी दिए जाएंगे। टिकट कहाँ कहाँ से दिए जाएंगे ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है वो तय करेगी। क्या मानते हैं भाजपा के समय में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कितने काम हुए हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। अगर मैंने मैं गिनती करने लगूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा, मगर मैं ये कह सकता हूं कि जैसे अगर आप बात करें रक्षाबंधन तथा भैया दूज के दिन छुट्टी की बात, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में डिक्लेयर हुआ। अगर आप बात करें कि आज की डेट में 50% जो है महिलाओं को जो है वो बसों में किराए में छूट है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय जयराम की सरकार में हुआ। शगुन योजना की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर 50% महिलाओं को यूएलबी में या पंचायती राज में रिजर्वेशन देने की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन में है, चाहे गृहिणी सुविधा योजना में है, चाहे वो मैंने बताया एक बीघा भूमि के उसमें है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की देन महिलाओं के लिए है और उसी तरीके से महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्थन दिया है और आगे भी देते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, घर महिलाएं चलाती हैं और घर का बजट भी महिलाओं के हाथ में रहता है। महंगाई थोड़ी बढ़ी है मगर आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 साल से कितनी वैश्विक महामारी से हिंदुस्तान निकला है और उसमें हिमाचल भी रहा है, मगर उसके बावजूद महिलाओं के सहयोग से ही हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सी जानें बची हैं। थोड़ी महंगाई बढ़ी है, उसको महिलाओं ने फील किया है और मजबूरी को समझा है। आगे इस पे सरकारें काम कर रही हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा।